अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सो ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जनाब। आज एक नया कंटेंट है मेरी वीडियो, नए कंटेंट के साथ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। काफी दिनों से ये डिस्कस कर रही थी आप लोगों के साथ कि मेरी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो माशाल्लाह ये आज शुरू हो गया। तो जैसे जैसे मेरी लाइफ में जो जो चलेगा वैसे भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो जारी बात है फिर मैंने ये भी शेयर करना था। तो ये देखें जी, फूड पांडा में मैंने एज अ होम शेफ वर्किंग स्टार्ट की है, मतलब ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। इसके लिए सबसे पहले मुझे ये डिवाइस रिसीव हो गई थी, और ये किस तरह रिसीव हुई और इसका सारा क्या प्रोसेस है ये मैं अपनी अगली वीडियोस में या अभी थोड़ा सा डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में। तो ये देखें जी, ये डिवाइस हमें प्रोवाइड करते हैं फूड पांडा वाले, 16,000 में ये हमें मिलती है, और ये न्यू डिवाइस है। मतलब पहले जो डिवाइस फूड पांडा पे रिसीव हो रही थी सबको, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। और हाँ, ये डिवाइस हमें घर में रिसीव नहीं होगी, ये फूड पांडा के ऑफिस जाके हमें वहां से लेनी होती है। तो मैंने फिर यासी को कहा आप ले आए, मतलब उन लोगों की कॉल मुझे रिसीव हुई कि आपकी डिवाइस आ गई है ऑफिस में, आप पिक कर सकते हैं। बस मैंने फिर यासी को कहा कि यासी आप डिवाइस मुझे ला दें, और आपको पता है डिवाइस आने तक का प्रोसीजर यासी को बिल्कुल भी नहीं पता था। मतलब ये सारी बात यासी को नहीं पता थी, ये मैंने 16,000 खुद ही से अपने खर्चे से पे किया था। माशाल्लाह जो खर्चा यासी मुझे मंथली देते हैं, वही दे जो कुछ रखे ही होता है ना अपने कॉल दे, अल्हम्दुलिल्लाह इतने से पैसे तो होते ही हैं। तो मैंने सोचा ये बिल्कुल एक छोटी सी अमाउंट है, चले मैं 16,000 खुद ही पे कर देती हूँ। बाकी जिस तरह आप लोगों से मैं डिस्कस करती रही अपनी यूट्यूब चैनल पर, उसी तरह मैं यासिर से भी करती रही, या उससे थोड़ा सा ज्यादा। सारी बात है भाई, उनके बगैर कोई काम मैं कर तो नहीं सकती हूँ। खैर, 3-4 दिनों में मैंने फिर उन्हें कन्विंस कर ही लिया, सारी बात है। फिर उन्हें माननी तो पड़नी थी ना, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं ये करूंगी ना, क्योंकि आपको पता है YouTube पे मैं 2 साल से वर्क कर रही हूँ, तो अभी वहां से वही कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन मुझे भाई जरूरत है, और जरूरत से ज्यादा मुझे इस चीज का शौक है कि मैं खुद ही से कुछ करूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये बात पता है, मैं बहुत सालों से ये कोशिश में थी कि मैं कुछ करूँ ना। खैर, ये बिजनेस कोई इतना बड़ा चौड़ा तो नहीं है, लंबा चौड़ा तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसे लंबा चौड़ा करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है और मेरी मेहनत है, और मेरे साथ साथ माशाल्लाह यासिर की और मेरी फैमिली की भी मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू किया हुआ है, मुझे कुछ दिन हो गए हैं, और स्टार्टिंग डेज का कैसा एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें भाई, एक नया कंटेंट आपको मिल रहा है। और जो लेडीज इस कंटेंट में इंटरेस्ट रखती हैं वो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, मतलब हाउसवाइफ अगर होम शेफ बनना चाहती हैं, फूड पांडा पे वर्क करना चाहती हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उन्हें इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ सब कुछ सच सच बताती रहूंगी कि फूड पांडा पे क्या नुकसान आते हैं काम करने के और क्या फायदे हैं। तो चलें जी, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फौरन मेरी वीडियो देख लें। और बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पहले मैंने आप लोगों को डिवाइस दिखाई है जो फूड पांडा से मुझे रिसीव हुई है, उसके बाद जनाब रिसीव होने के फौरन बाद मुझे फूड पांडा के ट्रेनर की कॉल आ गई थी। मतलब जो हमें ट्रेनिंग देते हैं ना, वो कहते तो ये है कि आधे घंटे की कॉल है, मतलब आधे घंटे में वो हमें ट्रेनिंग दे लेंगे, लेकिन मेरी कॉल 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि बहुत डिटेल में उन लोगों ने ट्रेनिंग दी और बहुत अच्छे तरीके से आपको वो सब कुछ बताते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप अपना किचन कब ओपन करना चाहते हैं। तो मैंने फिर कहा चले इंशाल्लाह ताला कल मैं अपना किचन ओपन करती हूँ। और किचन ओपन करने से पहले जनाब ये सब चीजें हम लोगों ने परचेज करनी थी, हम लोग बाजार भी गए, और ये पीपल्स कॉलोनी मार्केट से वापसी पे भी एक शॉप थी, उधर से भी थोड़ी सी चीजें, और ये वो सारी पैकेजिंग है। अच्छा, ये सब कुछ फर्स्ट टाइम परचेज करना था, तो मैं खुद साथ गई थी क्योंकि मुझे अपनी पसंद की सारी चीजें लेनी थी। और यासिर ने मुझे कहा कि चलो ठीक है, आप मेरे साथ चलो, आप देख लो आपको क्या क्या चाहिए, और इसके बाद यासिर इंशाल्लाह ताला खुद ही मुझे ला दिया करेंगे। और व्यूवर्स एक बात और, हम लोगों ने अपना मेन्यू भी खुद ही से सेट करना होता है फूड पांडा पे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग जो मेन्यू देंगे हमने वो बनाना है, हमने अपनी मर्जी से अपनी पसंद का मेन्यू रेडी करना होता है। लेकिन 20 आइटम्स जरूरी है, और 20 आइटम्स ये नहीं है कि वो डिफरेंट डिफरेंट हो, ऐसा नहीं है कि 20 में आप लोगों ने 5 किस्म के सालन बनाने हैं, 5 किस्म के पराठे बनाने हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों से डिस्कस करती रहूंगी कि मेन्यू में क्या आता है, प्रॉपर उस पर वीडियोज बनाती रहूंगी। तो बस वो मेन्यू भी सेट इन दिनों में मैंने कर लिया था, जब मैंने डिवाइस के लिए अप्लाई किया था, मुझे एक मैनेजर हायर कर दिया था इन लोगों ने, कर दिया नहीं था बल्कि अभी भी वही मैनेजर है, और कोई भी बात डिस्कस करनी हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो सारा कुछ ना, कोई भी इशू हो वो रिजॉल्व कर देता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता है। अभी तक तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ, इंशाल्लाह फर्दर जैसा एक्सपीरियंस होगा जो भी होगा वो मैं सब कुछ आपको बताती रहूंगी। अच्छा जी, मेन्यू तो मैंने खुद से सेट कर लिया था, उसकी प्राइसेस भी सब खुद ही डिसाइड की थी। कुछ प्राइसेस तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक हैं जो कि मैंने सेट की थी, लेकिन कुछ प्राइसेस ऐसी हैं जो सेल करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये कम है। इंशाल्लाह ताला वो दोबारा से एडजस्ट करूंगी मैं, या अपने मैनेजर से करवाऊंगी, क्योंकि मेन्यू सारा सेट हमें मैनेजर करके देता है, जस्ट एक्सेल शीट वो हमें प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप पे। एक्सेल शीट पे हम लोगों ने सारा मेन्यू बनाना होता है, उनकी प्राइसेस लिखनी होती है। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी किसी वीडियो में, एक्सेल शीट भी अगर आप चाहेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस हुए आप मेरे से जरूर डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं डिटेल में उसके आंसर्स आपको दूंगी। जैसे जैसे मुझे खुद भी पता चलता जाएगा मैं आपको भी बताती रहूंगी। तो यहाँ प्रेपरेशन स्टार्ट हो गई है फूड पांडा एज अ होम शेफ। ये देखें जी जनाब, मैंने फ्राइज बना के फ्रीज किए। ये किस तरह फ्रीज करते हैं, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, बहुत सारी रेसिपीज है मेरे चैनल पे। उसके बाद ये मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ पराठा रोल्स के लिए, ठीक है। जब ये
मैरिनेट कर रही थी, तो भाई डिनर में आज मेरे बच्चों ने यही खाना था, बस बच्चों के लिए पहले पराठा रोल्स बना लिए हम लोगों ने, बस बच्चों ने डिनर में पराठा रोल्स ही खा लिए थे। और ये 2-3 दिन की वीडियो कंबाइन है, मतलब क्लिप्स लिए हुए थे मैंने, तो आप लोगों से शेयर करने थे, अपना स्टार्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करना था कि फर्स्ट डे कैसे गुजरा, क्या हुआ, ऑर्डर आया कि नहीं आया, इंशाल्लाह वो भी अभी बताती हूँ। चलिए एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये जॉब नहीं है, ये हमारा अपना छोटा सा बिजनेस है, हम जब चाहें कर सकते हैं, मतलब डिवाइस पे हमें ये ऑप्शन दी होती है, हम जब चाहें किचन ओपन कर सकते हैं और जब चाहें इसे हम लोग क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर टाइमिंग्स होती हैं, मतलब आई थिंक 8 आवर्स होते हैं जो हमें जरूर ओपन करना होता है किचन। इंशाल्लाह ये भी कंफर्म करके मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगी। इन शॉर्ट ये हमारा नाम बिजनेस है, ये जॉब नहीं है, तो ये बहुत सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा मुझे। यहाँ देखें जी ये मेरा फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया मतलब मेरी वर्किंग का, मेरी बिजनेस का फर्स्ट डे है। यहाँ ब्रेकफास्ट बना के मैंने ऐसे के लिए रखा था, ऑफिस के लिए उन्होंने जाना था, तो बस भाई जैसे ही मैंने डिवाइस ओपन की, 9 o'clock मैंने अपनी डिवाइस ओपन करनी थी, ओपन करते ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हो गया, जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और जनाब एक्सपेक्ट मैं इस वजह से नहीं कर रही थी, मैंने जो 2-3 वीडियोस यूट्यूब पे देखी थी उन्हीं में ही मुझे पता चला था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि डिवाइस ओपन करते, एक्चुअली डिवाइस ओपन करना इसलिए कहते हैं ओपन और क्लोज की ऑप्शन होती है ना इस पे, हालांकि हमें ये कहना चाहिए डिवाइस ऑन करनी है, नहीं नहीं डिवाइस ऑन करके तो ऑलरेडी हमने रखी होती है, ओपन ही करना होता है हमने अपना रेस्टोरेंट। खैर डिवाइस ओपन सॉरी मुझे अपना रेस्टोरेंट ओपन करते ही ना अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्डर रिसीव हो गया। इस ऑर्डर में एक पराठा था और साथ में 4 शामी कबाब थे, आई थिंक 1 शामी कबाब और पराठा की डील थी और साथ में 3 शामी कबाब थे, ठीक है। तो बस इसकी वीडियो ये इज्जू बना रही है और इतना पैनिक था ना, फर्स्ट टाइम था तो इंसान इतना पैनिक हो जाता है ना, बस मुझे ये था जल्दी जल्दी में करना है और टाइम भी इतना शॉर्ट था, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये प्रिपेयर कर लिया और इतनी खुशी हुई ना माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने अभी अपना रेस्टोरेंट ओपन किया था और फर्स्ट ऑर्डर आ गया। लेकिन भाई इसमें हमें तहम्मुल मिजाजी चाहिए, मतलब सब्र से काम लेना है, क्योंकि ऐसा हुआ कि ये फर्स्ट ऑर्डर तो आया और सारा दिन गुजर गया, कोई ऑर्डर नहीं आया था, जबकि मैं सब कुछ प्रिपेयर करके बैठी थी, मैंने जो जो अपने मेन्यू में लिखा हुआ है वो सारा कुछ मैंने प्रिपेयर किया, ठीक है, लेकिन मुझे कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। सारा दिन गुजर गया, मैंने चिकन कौरमा बनाना था, कोफ्ते अंडे बनाने थे और आलू की वो जो पीठी होती है, आलू का मिक्सचर, आलू वाला पराठा भी है मेरे मेन्यू में, तो वो तो मैंने सुबह सुबह ही प्रिपेयर कर दिया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 सालन जो बनाने थे वो मैंने प्रिपेयर किए, 11 बजे तक बिल्कुल रेडी था, ईच एंड एवरीथिंग मैं अपने रेस्टोरेंट की रेडी करके बैठी हुई थी, लेकिन सारा दिन मेरा इसी तरह गुजर गया। लेकिन मैं माइंडली प्रिपेयर थी, मुझे इस बात का पता था कि ऑर्डर बहुत ज्यादा फर्स्ट डे नहीं आते, बल्कि फौरन से ऑर्डर भी नहीं आता, ये तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह आ गया फर्स्ट ऑर्डर मुझे, तो खैर मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर थी, मैंने खाना वाना तैयार किया और मैं खाना इस तरह बना रही हूँ, मतलब अब काफी दिन हो गए हैं काम शुरू किए हुए, मैं इस तरह मैनेज करती हूँ कि वो खाना हम लोग खुद भी खा लेते हैं और जो रेगुलर रूटीन में खाना बनाती हूँ वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बना लेती हूँ, मतलब कोई सालन मैंने रेगुलर रूटीन में जो बनाना होता है ना वो मैं डेली नहीं बनाती। तो ये देखें जी इज़ू ने इस पे राइटिंग की थी और ये पेपर इस तरह से लगाया था, हालांकि हमने डिसाइड किया था कि इस पे हम स्टिकी नोट्स लगाएंगे, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आयरा के पास थे। रात को जब मैं सारा सामान देख रही थी ना, वीडियो बना रही थी, तब मुझे आयरा कह रही थी मम्मा वो मेरे पास हैं, लेकिन मुझे उससे लेने याद ही नहीं रहे और वो कॉल पर चली गई। ये देखें जी ये मुझे सेकंड ऑर्डर रिसीव हुआ था आलू का पराठा, तो यहाँ मैं ये बना रही हूँ, भाई बहुत पैनिक हो जाता है बंदा पहले 3-4 ऑर्डर्स पे तो ना, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे मुझे 2 ऑर्डर रिसीव हुए थे, बाकी नेक्स्ट डेज का एक्सपीरियंस नेक्स्ट वीडियोज में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और इसमें एक खास बात ये है कि टाइम की वजह से बहुत पैनिक हो जाता है बंदा ना, टाइम बहुत कम होता है, जल्दी जल्दी हमने ऑर्डर रेडी करना होता है, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी कि टाइम कैसे एक्सटेंड करते हैं। जी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नहीं बहुत सी इन्फॉर्मेशन दूंगी फूड पांडा के मतलब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।